जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऐप का रिव्यू करने वाले। देखो ये जो ऐप है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है यार। चाहे अगर कोई विलेज में रहता हो, चाहे कोई सिटी में रहता हो, चाहे कोई कहीं भी रहता हो, ठीक है, जिस टाइप का भी काम करते हो, स्पेशली जो फील्ड में काम करते हैं ना, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये ऐप। मैं बताता हूँ कैसे। देखो कोई भी चीज, जैसे कि ये कॉइन्स है मेरे पास, ये इतने सारे मेरे पास कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि 100 कॉइन्स हैं, और मुझे काउंट करना है कि ये काउंट कितना है। तो ये ऐप की मदद से हम क्या कर सकते हैं मालूम है, इन सिंगल शॉट ये पूरे कॉइन्स ले लो, या कोई एप्पल ले लो, या फिर कुछ भी फ्रूट्स का आइटम ले लो, गोल ले लो, या कुछ भी ले लो। इस ऐप के मदद से हम काउंट कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो मतलब कुछ भी हमारे घर में रहे, चाहे जिसकी भी हमको क्वांटिटी पता करनी है बल्क में, कि इसकी कितनी क्वांटिटी हो सकती है, सपोज एप्पल हो गए या फिर कोई छोटे छोटे दाने हो गए, कुछ भी हो गई, तो इस ऐप का नाम है काउंट थिंग्स। इसको हम करेंगे इंस्टॉल, कैमरे के अंदर चलते हैं, देखते हैं अच्छे से इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे सेटिंग्स इनेबल करना है। एक फोटो आपको लेके दिखाऊंगा, दो चार फोटो लेकर दिखाऊंगा अलग अलग, ये कैसे काउंट करता है। कोई भी सामान को आप रख दीजिए और ये फोटो लीजिए, तो ये काउंट करके बता देगा कि टोटल आइटम कितना रखा है इस टेबल पे या कहीं पे भी। तो इस टाइप से ये ऐप काम कर सकता है। मुझे यार बहुत ज़्यादा पसंद में आई ये ऐप। मैंने क्यों बोला कि ये विलेजर्स के लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके पास क्या है कि डुल्लियों में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, या फिर लेकिन देखो एक के ऊपर एक रखेंगे तो काउंट नहीं करेंगे, उनको सबको फैलाना पड़ेगा तो एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा यार, उतना तो आप बियर करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं, चलो कैमरे के अंदर चलते हैं, फटाक से रिव्यू करते हैं और देखते हैं ये ऐप कैसा है काउंट थिंग। तो दोस्तों देखो हम आ गए हैं स्क्रीन के अंदर और ये आपको डाउनलोड करनी है ऐप। ये ऐप जो आपको दिख रही है काउंट थिंग्स, ये काउंट थिंग्स आपको ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। इसका आइकॉन देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कर लिया हूँ डाउनलोड, तो मैं करूँगा डायरेक्टली इसको ओपन। मैं इसको जैसे ओपन करूँगा, इसका कुछ इस टाइप से यूज़र इंटरफेस रहेगा, जो कि लॉगिन लिखा है, क्रिएट अकाउंट लिखा है और लिखा है कंटिन्यूस गेस्ट। तो मैं तो एज ए गेस्ट ही इसको कंटिन्यू करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या काउंट करना है। तो मैं अगर टेम्पलेट्स पे अगर एक बार क्लिक करूँ, तो मैंने ये यूज़ की वाली टेम्पलेट है, लेकिन अब यहाँ पे आप जाइए डायरेक्ट यहाँ नीचे टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए आप, तो बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। अब ये देखिए ये टेम्पलेट्स पूरी लोड हो रही है, जैसे कि आपको सिक्के कॉइन सिक्के आपको काउंट करना है, या फिर कोई सीड्स काउंट करना है, या फिर अलग अलग फ्रूट्स काउंट करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखेंगी। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो टेम्पलेट्स एक बनी हुई है नॉर्मल टेम्पलेट, वाइट पेपर पे अगर कुछ है कीबोर्ड काउंट करना है, कॉइन काउंट करना है, या फिर लाइंस काउंट करना है, मैनुअल काउंटर करना है, तो इसमें आप ये चीज़ बहुत ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं सपोज कॉइन्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ ये, तो मैं हम चलते हैं डायरेक्ट पीछे, ठीक है। यहाँ पे करंट काउंटिंग टेम्पलेट बार्स एंड रीबार्स है, मैं इसको चेंज करके इसको कॉइन्स पे कर दूंगा। अब कॉइन्स पे मैंने कर दिया हूँ, अब मैं ये यहाँ पे क्लिक करके टेक न्यू फोटो करूँगा और हम देखते हैं कि अब इसके कितना एग्जैक्ट हमको देता है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसमें अच्छे तरीके से। तो देखो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, मैं काउंट थिंग्स खोलता हूँ। अब टेक न्यू फोटो पर मैं क्लिक करूँगा, तो टेक न्यू फोटो पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में ये देखो मैंने कुछ कॉइन्स यहाँ पे टेबल पे रखे हैं, इसको हम फोटो खींचते हैं और इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने इसका फोटो खींचा कुछ ऐसा आया, राइट पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए आप काउंट का ऑप्शन है, तो काउंट पे क्लिक किया मैंने एक बार, अभी काउंट ऑटोमेटिक कर रहा है। देखिए इसने काउंट कर दिया और ऑटोमेटिक सब कुछ दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 सिक्के है। सबसे ऊपर देखिए रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट 7 है। चलो और एक चीज़ अपन कैलकुलेट करते हैं कुछ, तो अब इस बार हम अंडे को करते हैं। देखो अंडा है, मैंने फ़ोटो खींचा, राइट क्लिक किया, अब काउंट करते हैं क्लिक, अब काउंट हम करके देखेंगे, तो देखते कितना आता है। इसने 4 इसने सर्कल्स को भी काउंट कर लिया है, ठीक है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अपन अपना पोजीशन अपन ने गलत रखा है, इसलिए ये चीज़ इस टाइप से दिखा रहा है अपने को। तो दोस्तों यही कुछ था काउंट थिंग के बारे में। आई होप आपको ये ऐप बहुत अच्छा लगा होगा। देखो ये थोड़ा सा रेयरली यूज़ होगा ये ऐप, उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होगा, लेकिन काम का ऐप है जो काउंट करने का काम ज़्यादा करते हैं। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।